छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किए जाने वाले रेडी टू ईट मामले में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट का वितरण किया गया। आपको बता दें कि जिले के बस्तर विकास खंड की केसरपाल और बाकेल में करीब 40 केंद्र हैं, जिनमें एक्सपायरी डेट के रेडी टू ईट वितरण करने के बाद गाँव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी, जिसके बाद आनंद फानन में वितरण रुकवाया गया। हालांकि तब तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट वितरण कर दिया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। कुछ बीच में परिवहन का विवाद था रेडी टू ईट का, उस कारण से कुछ हुई है, लेकिन इसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर एक्सपायरी हो गया है तो उसको तुरंत राइट ऑफ की कार्रवाई की जाए, वैसा कोई वितरण नहीं करना है। और आपके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है तो हम उसको और चेक करवा लेते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं इसका चेक कराऊंगा और सुनिश्चित मैं जरूर कराऊंगा कोई एक्सपायरी डेट हमारा